हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो सीरीज में हम करने जा रहे हैं पीसीएस 2018 के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। तो ये है पहली वीडियो इस सीरीज की, और इसमें हम साइंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए डू सब्सक्राइब टू एडुस्क्वाड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए था आंसर। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का साइंस का क्वेश्चन। तो पहला सबसे क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आपको चार फैक्टर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर पे साउंड की जो वेलोसिटी है हवा में डिपेंड नहीं करती है। तो आपके ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ एयर, बी टेम्परेचर ऑफ एयर, सी प्रेशर ऑफ एयर, या फिर डी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं किस पे डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रेशर ऑफ एयर। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और टेम्परेचर, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, की जब इंसिडेंट रे है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसके डायरेक्शन के साथ क्या होते हैं, यानी कि किस तरफ जो है वो बेंड करती है या फिर नहीं करती है। ओके, सो आपके ऑप्शन दिए गए थे कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, की इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ऑप्शन सी था कि इसमें इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर ऑप्शन डी था कि ये जो है नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, चलिए देख लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, दैट इज इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। और ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है जब फ्रॉम रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करती है लाइट, ये क्यों होता है, और ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स स्पीड। तो लाइट की जो रे है इसकी स्पीड चेंज होने की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करती है। ठीक है, सो रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, दैट इज इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेस प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इनमें से कौन सा जो मेडिकल जो प्रोसीजर है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल का यूज होता है। तो आपके ऑप्शंस थे एक्सरे, बी सीटी स्कैन, सी एंडोस्कोपी, या फिर डी, इनमें से कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, चलिए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी, दैट इज एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर हम इसके नाम को ही देखें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जब वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब विद इन द मीडियम ही रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, फर्स्ट आप इमेज में देख सकते हो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो रही है, यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है बट वो पास कर रही है दूसरे मीडियम में। ओके, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होता है कि लाइट विद इन द मीडियम रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, और ये डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे, जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उस पे जो है ये डिपेंड करता है। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये यूज होता है एंडोस्कोपी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 70 डेज, 1 ग्राम ऑफ सेम सब्सटेंस विल बिकम 0.25 ग्राम आफ्टर। सो आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है जो कि 70 डेज है। इनिशियल अमाउंट दी गई है जो कि है 1 ग्राम, और फाइनल अमाउंट दी गई जो कि 0.25 ग्राम है, और आपको निकालना है टाइम पीरियड, यानी कि 1 ग्राम से 0.25 ग्राम चेंज होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपके ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए 140 डेज, बी 70 डेज, सी 210 डेज, या फिर डी ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है वो है 280 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि 140 डेज। तो
एक ग्राम सब्सटेंस जो है वो 0.25 ग्राम का रह जाएगा इन 140 डेज अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड 70 डेज का है. ओके, और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है अगर हम इसका रेडियो एक्टिविटी में ना ही देखें, अगर हम कॉमन टर्म्स में कॉमन केमिस्ट्री में यूज करें तो हाफ लाइफ पीरियड उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट है वो हाफ रह जाता है दैट इज इनिशियल अमाउंट. ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू दिस होना चाहिए था 140 डेज. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ डैश, यानी कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का हमें इसमें जो है डेफिनेशन पता होना चाहिए थी. तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी इज मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन सी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट, या फिर ऑप्शन डी दैट इज ओनली पोटेशियम आयोडाइड इज नोन एज आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं. सो ऑप्शन ए जो कि है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था. सो जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं जब उसमें थोड़ी अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट हो. ओके, बट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें हम तो इसका आंसर आप जो है बी टिक करते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट. बट इसमें होता यह है कि इसमें डायरेक्ट मॉलिक्यूलर आयोडीन नहीं ऐड किए जाते, इसमें आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड्स जैसे कि हो गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट या फिर सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में आयोडीन ऐड की जाती है. तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था कि मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, और इसी तरह से जो ये ऑप्शन जो था आपके पास कि मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट, ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं अगर आप में से किसी ने इस ऑप्शन पे टिक किया है तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आयोडाइज सॉल्ट के बाद. चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो विनेगर किस सॉल्यूशन को बोलते हैं. तो विनेगर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, विनेगर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस है ऑप्शन ए 5-20% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ऑप्शन बी 25-30% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ऑप्शन सी 50% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, या फिर 40-45% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर के सॉल्यूशन को हम विनेगर बोलते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए चलिए देख लेते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, यानी कि 5-20% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विनेगर. तो ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया तो आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सो लिटमस जो है ये एक पेपर है या एक डाई है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो ये हमें किस चीज से मिलती है, यहाँ पर डाई की बात हो रही है. तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बैक्टीरियम, बी फंगस, सी एल्गे या फिर लाइकन्स. ओके, सो लिटमस हमें किस चीज से मिलता है चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, यानी कि लाइकन्स. जो लिटमस डाई की हम बात कर रहे हैं वो हमें मिलता है लाइकन्स से, एंड कॉमनली जो लाइकन की स्पीशीज इसमें यूज की जाती है वो है लाइकन जो रोसेला जीनस है. ओके, सो लिटमस जो है एक पीएच इंडिकेटर होता है, यानी कि हमें बताता है कि कोई सब्सटेंसेस बेसिक है या फिर एसिडिक है, यानी कि अगर ये एसिडिक कंडीशंस के जो टच में आता है, एसिडिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, वेयर एज अगर ये एल्केलाइन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लू, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. तो ये जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लाइकन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिन इज प्रिवेंटेड बाय, सो जो थ्रॉम्बिन है जब प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट होता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है. ओके, और ये कब होता है जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं, जब हमें कोई इंजरी होता है और ब्लड फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जो बॉडी के बाहर ब्लड फ्लो करना शुरू कर देता है और उसका जो क्लॉट बनता है तो उस प्रोसीजर में प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, पर क्वेश्चन हमें ये पूछा गया था कि ब्लड वेसल्स में अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स में ऐसा क्यों नहीं होता है, प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है. तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, कुछ फैक्टर्स के आपको ऑप्शंस दिए गए, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमिनन के लिए. तो आपके ऑप्शंस है ए फाइब्रिनोजन, बी कैल्शियम, सी फैक्टर 4 या फिर डी हेपरिन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था चलिए देख लेते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, यानी कि हेपरिन. हेपरिन एक एंटी कोगुलेंट है और ये जो है अनडैमेज्ड ब्लड वेसल में
प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन नहीं बनने देता, यानी कि इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिन। और थ्रॉम्बिन जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग होती है, और अगर ये ऐसा हो जाए कि जो प्रोथ्रॉम्बिन है वो थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट हो जाए विद इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल, तो वो ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा। और ये प्रिवेंट कौन करता है? ये प्रिवेंट करता है हेपरिन। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था पीसीएस 2018 में, साइंस का लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।